हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं हंग कर्ड वेज सैंडविच, जो बहुत बहुत यम्मी लगते हैं। और क्या कुछ हम उसमें डालने वाले हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने यहाँ रेड बेल पेपर लिया है, हाफ कॉर्न लिए हैं 1/4 कप बॉइल्ड हैं, और ये हमने पीली बेल पेपर ली है, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। एक प्याज को चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च कैप्सिकम को चॉप कर लिया है, गाजर हमने एक ग्रेट कर ली है, आप बारीक काट भी सकते हैं, और ये हंग कर्ड ली है मैंने, ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स हैं और ब्लैक पेपर पाउडर है, ब्रेड है और सॉल्ट है। हम इसको घी या बटर में सेक सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ना इसको कर्ड को ऐसे, ये बहुत थिक है, स्मूथ कर लेंगे। देखिए ये क्या है, मैंने आपको 2-3 अपने उसमें बनाना बता रखा है हंग कर्ड को कैसे बनाएं। आप सीधे जो स्ट्रेनर है ना, छाननी आती है, उसमें दही को रखकर उसके नीचे एक कंटेनर रख के फ्रिज में आप 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए, आपकी बहुत अच्छी हंग कर्ड जो है वो तैयार हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह का हम इसको स्मूथ कर लेते हैं। अब देखिए ये इतना स्मूथ हो गई है, तो ये हमारी जो है कर्ड तैयार है। हम इसमें मेयो वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं। अब हम सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे, इनका कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, जितना आप चाहें यूज कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी और बहुत जल्दी बनते हैं सैंडविच, जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए काफी सारी वेजीज इसमें आ गई हैं और बच्चे भी इनको बहुत पसंद करने वाले हैं। थोड़े से डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार। जब हमें बनाना है ना, तभी आप इसको, जब सैंडविच बनाए ना तभी आप इस मिश्रण को तैयार करें। इनको सबको करते हैं हम मिक्स, और यहां पर आप टेस्ट करके देख लेंगे। देखिए जो लोग मेयोनी नहीं खाते हैं, जिनको मेयो सूट नहीं करती है, वो ये हेल्दी सैंडविच बनाकर खाइए, हंग कर्ड से बनाइए। ये देखिए, तो ये सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद कुछ ऐसा हो गया है मिक्सचर, और इसमें आप टेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने बची हुई सब्जियां भी इसमें डाल दी हैं, थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर और डाल रही हूं, बाकी इसमें सब परफेक्ट है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम ब्रेड लेते हैं और इसको स्प्रेड करते हैं ब्रेड पे, चारों तरफ से हम इसको लगाएंगे। जो अगर आपके पास रेड येलो बेल पेपर नहीं है तो आप कैबेज ले सकते हैं, मुझे इनका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ से हम इसको यहां पर लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों ब्रेड पर लगा लिया है और ये हमारा मिश्रण बच भी गया है। मैंने ये 2 कप दही को किया था स्ट्रेनर में, 2 कप दही से ये तैयार किया है और 3/4 कप के करीब मैंने यूज किया। ये देखिए दोनों पर हमने अच्छे से लगा लिया है मिश्रण, और अब हम इनको इस टाइप से बंद कर देंगे। तो फर्स्ट तो मैं आपको कच्चा कैसे खाते हैं वो बताऊंगी। स्लैब बिल्कुल हमने साफ कर ली थी, सब्जियां ही है इसके ऊपर, तो इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। पहले देख लेते हैं, साइड इसकी कट कर लेंगे, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं या पहले कट करके आप रख सकते हैं ब्रेड और फिर यूज कर सकते हैं, बट मैं हमेशा ऐसे काटती हूं ताकि क्या है कि वो जो अंदर मिश्रण है ना वो भी अच्छे से चिपक जाए। बनाकर जरूर देखिए, जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। फ्रेश ब्रेड लें, मेरे पास व्हाइट ब्रेड थी
आप ब्राउन ले सकते हैं, आप ट्राइंगल चाहें, स्क्वायर चाहें, जैसा चाहें वैसे कट कर सकते हैं। और आप हमेशा जब भी ब्रेड को कट करें ना या पाव को, तो आप नाइफ को ऐसे करते हुए करें। अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे ना तो सैंडविच जो है वो बहुत अच्छा नहीं कटेगा। और ये देखिए, फुल ऑफ कलर, हमारा ये काफ़ी सारी फिलिंग के साथ सैंडविच जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा हम इसको तवे पर सेकेंगे। तवा गरम हो गया है, आप बटर चाहे बटर लगाएं, मैं घी लगा रही हूं। पहले आप ऐसे घी लगा दें और उसके ऊपर ये ब्रेड ऐसे रख दें और फिर ऊपर भी हम इसके घी लगाएंगे। घी हमने ऊपर भी लगा लिया है इसके, और अब हम इसको ध्यान से ऐसे पलट देंगे। ये देखिए, क्रिस्पी आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं, पर अगर आप मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे ना तो ये बहुत बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। और देखिए, ऐसे प्रेस करके सेकने से ना ये उलटते हुए या ऐसे निकल भी नहीं रहा है। आप देखिए, इसको उठा के अच्छे से चिपक गया है। तो आशा करती हूँ कि ये यमी से लगने वाले सैंडविच आप जल्दी ही अपने बच्चों के लिए बनाएंगे और उनको खिलाएंगे और उनका रिव्यू लेंगे कि ये कैसे बने हैं। और ये मैं आपको बताऊं, क्रिस्पी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ज़्यादा जलाने की इनको ज़रूरत नहीं है। गैस को करते हैं ऑफ। हमने आज ये चार ब्रेड से ही सैंडविच बनाए हैं। फ्रेश ब्रेड लें, इंग्रेडिएंट्स जैसे बताए हैं वैसे डालें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बस आप कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके, कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आ रही है कि नहीं। इसको कट करते हैं, प्लेटिंग करते हैं, सैंडविच करते हैं कट। इसकी साइड्स कट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितना क्रिस्पी है, कैसी आवाज इसमें से आ रही है। और ये देखिए कितना बढ़िया ये सैंडविच बनकर तैयार है। तो ये देखिए, लग रहे हैं ना सुंदर? और सुंदर ही नहीं है, खाने में भी लाजवाब। जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।